एकदम चुप रहना सारे बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग किड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सो टूडे इज अवर ईवीएस क्लास, राइट? आज हमारी ईवीएस की क्लास है एंड ईवीएस की क्लास में आज हमारा टॉपिक है टेल टाइम। आप सबको पसंद है ना टेल टाइम, मीन्स जब हम स्टोरी रीड करते हैं, है ना? सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी विच नेम शेरा एंड चिट्टू फ्रॉम योर मैजिक स्टेप्स बुक। ओके, तो आज हम मैजिक स्टेप्स बुक में ईवीएस सेक्शन में शेरा एंड चिट्टू स्टोरी रीड करने जा रहे हैं। ओके ओके, आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, सो कम ऑन, ओपन योर मैजिक स्टेप्स बुक एंड वी विल रीड अ स्टोरी। So kids, for today's story, Shera and Chittu, you need to open page number 59 in your Magic Steps book and come on page number 59 in EVS section. Okay? आपको Magic Steps book में EVS section में page number 59 open करना है and there you will find a story name Shera and Chittu. So look at these pictures. These are some pictures related to this story. So look at these. This is a rabbit named Chittu. Okay? ये देखिए, ये एक rabbit है जिसका नाम है Chittu. And there is a lion named Shera. Okay? So the story is based on Shera and Chittu. So these are some pictures. And for this story, you need to come on page number 80 and 80. Okay? So, आपको page number 80 open करना है और वहाँ पर आपको story मिलेगी शेरा and चिट्टू की, ठीक है बच्चों? तो चलिए जल्दी से page number 80 open करते हैं. Okay, so there it is. The story is based on animals. Okay? So, this is related to your section animals and birds. Okay, now read this story with me. In the forest, Shera the lion was the king. तो जंगल था और उस जंगल का जो king था वो कौन था? एक शेर था, है ना? वैसे भी king of the jungle तो lion ही होता है, ये तो आप सबको पता है, right? So every day the animals ran away in fear when Shera rode. तो क्या होता था, हर दिन animals जो जानवर थे वो भागने लगते थे जब शेरा दहाड़ता था। Lion roar करते हैं ना? Okay, then they were afraid that Shera would eat them. वो डर जाते थे कि शेरा उनको खा लेगा, ठीक है ना? एफ्रेड मीन्स होता है डर जाते थे या डर जाना। वन डे चिट्टू द रैबिट वॉज होपिंग अलोंग द फॉरेस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। एक दिन क्या होता है, वन डे अ रैबिट जिसका नाम चिट्टू था वो हॉप करते हुए जंगल में गाना गाते हुए जा रहा था। ओके, सडनली शेरा अपियर्ड बिफोर हिम। अचानक से क्या होता है, Suddenly means अचानक, तो अचानक से क्या होता है, शेरा चिट्टू के सामने आ जाता है। चिट्टू was very afraid, चिट्टू बहुत ज़्यादा डर जाता है, but he did not show it, लेकिन वो यह दिखाता नहीं है, ठीक है? He said bravely, वो बहुत हिम्मत से बोलता है, शेरा there is a lion as big as you are inside a big underground cave. तो वो क्या बोलता है कि शेरा तुम्हारे जैसा ही एक बहुत बड़ा शेर केव मीन्स गुफा, एक अंडरग्राउंड केव में रहता है, ठीक है, गुफा में रहता है। ही टोल्ड मी दैट ही विल चेज यू अवे एंड देन बी द किंग। वो कह रहा था कि वो तुम्हें यहाँ से भगा देगा और इस जंगल का राजा वो बन जाएगा। शेरा वॉज एंग्री, There is no other lion as great as I am.
शेरा बहुत गुस्से में चिल्लाता है कि यहाँ पर कोई भी लॉयन इतना ग्रेट मींस इतना ब्रेव और इतना महान नहीं है जितना मैं हूँ। टेक मी टू द लॉयन एट वंस। क्या बोलता है शेरा कि मुझे उस लॉयन के पास तुरंत ले चलो। चिट्टू वॉज अ वेरी क्लेवर रैबिट। चिट्टू बहुत चालाक खरगोश होता है, ठीक है। सो ही टुक हिम टू अ बिग वेल इन द फॉरेस्ट। तो चिट्टू क्या करता है, शेरा को एक वेल, जो जंगल में एक वेल मीन्स कुआं, एक कुआं होता है, वहाँ पर लेकर जाता है। इट वॉज वेरी डीप, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। चिट्टू सेड किंग शेरा द अदर लॉयन इज इन साइड दिस केव। चिट्टू बोलता है कि शेरा जो दूसरा लॉयन है वो इस केव के अंदर है। शेरा लुक्ड इन साइड, शेरा अंदर देखता है। ही सॉ हिज ओन इमेज इन द वॉटर, और उसको क्या होता है, उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, ठीक है, उसको अपनी ही परछाई दिखाई देती है उस वेल के वॉटर में, ठीक है। बट शेरा डिड नॉट नो दैट, लेकिन शेरा को ये बात पता ही नहीं चलती है ना। ही थॉट इट वॉज अनदर लॉयन, और वो क्या सोचता है कि ये वो दूसरा वाला जो शेर है ये वो है, ठीक है। ही सेड आई विल किल यू, वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। टिल देन एवरीथिंग वॉज क्वाइट इन साइड द वेल, तब तक एकदम शांति होती है वेल में, है ना, कुएं में एकदम शांति होती है। इसलिए क्या होता है, द ईको सेड, आपने देखा होगा कि जब हम किसी खाली जगह पर बोलते हैं तो हमें हमारी ही आवाज़ पलट कर सुनाई देती है, देखा होगा आपने, अदरवाइज आप ये करके देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, द ईको सेड आई विल किल यू, तो ईको जो होता है उस वजह से उसे वापस से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेरा थॉट दैट द अदर लॉयन सेड इट, और शेरा को क्या लगता है कि ये दूसरा लॉयन कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सो विद अ ग्रेट रोर ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो बहुत ज़ोर से दहाड़ता हुआ शेरा क्या करता है, वेल यानी उस कुएं में जंप लगा देता है। सून ही डिसअपीयर्ड इनसाइड द वेल, और जल्दी ही क्या होता है, वो उस कुएं में डूब जाता है और गायब हो जाता है। चिट्टू वॉज वेरी हैप्पी, और चिट्टू बहुत खुश हो जाता है। ही रेन टू द अदर एनिमल्स एंड टोल्ड देम दैट शेरा हैड फॉलन इनटू द वेल, वो दौड़ता हुआ दूसरे जानवरों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि शेरा कुएं में गिर गया है। ऑल द एनिमल्स थैंक चिट्टू, सारे जो जानवर होते हैं वो चिट्टू को थैंक यू बोलते हैं, ओके। ही वॉज देयर हीरो, वो सारे एनिमल्स का क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है, क्योंकि उसने चालाकी से ही तो शेरा को उस वेल में गिराया होता है। सो आप सबको ये बात याद रखनी है कि जब हमें बहुत ज़्यादा एंगर यानी गुस्सा आता है, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, फील करते हैं, तो हम सही और गलत को समझना बंद कर देते हैं, ओके। और यही शेरा के साथ हुआ कि उसने गुस्से में किसी और की बात नहीं सुनी और वो क्या होता है, वेल में गिर जाता है जाके, ठीक है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें हमेशा शांति से सोच समझ कर ही कोई भी बात करनी चाहिए, ओके। सो किड्स, दैट वॉज द स्टोरी शेरा एंड चिट्टू। आई होप यू एंजॉयड।